मेरा नाम गोपाल कुमार है। गोपाल कुमार, तो भैया मतलब यहाँ मैंने देखा बोर्ड लगा हुआ है ग्रेजुएट पुचका वाला, मतलब क्या स्टोरी है? ये है एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन नहीं कर रखा हूँ, मेरा ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट है। इसलिए ड्रॉप आउट है कि मैं आया था 2019 में। 2019 में कहाँ से आए थे आप? मैं कोलकाता से आया था। अच्छा, वही मेरी हाई स्कूल का 12वीं कम्प्लीट हुआ था और रामदेव कॉलेज में मैंने एडमिशन के लिए फॉर्म भरा था। तो वहाँ क्या हुआ था, एक्चुअली टाइम आया मार्च अप्रैल में और 2020 आ गया, तो 2020 में कोविड में सारा बंद हो चुका था, तो धीरे धीरे टाइम बढ़ते गया। तो मतलब उस वजह से आपका ड्रॉप आउट हो गया? ड्रॉप आउट हो गया। ड्रॉप आउट इसलिए हुआ कि जब कोविड आ गया तो घर में फिर बैठ गए, फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ तो हमने घर में ना 2-3 महीने बाद लॉकडाउन रखा, तो सब्जी बेची थी गली गली घूमकर। तो फिर उससे समझ में आ गया कि धंधा क्या होता है, अगर हम आज पढ़ लिख के भी पढ़ भी लेते हैं, हमारी डिग्री भी मिल जाती है, तो हमें अगले फ्यूचर में नौकरी मिलती है कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, और सरकार भी इतना जॉब कहाँ से देगी। तो मुझे जॉब देकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना था। अच्छा, इसी चीज़ को सोच के मैंने अपना ये बिजनेस चालू किया, जो कि पापा का धंधा था, मैं सोचा इसी को ब्रांड बनाना। अच्छा, मतलब ये आपके पापा का बिजनेस था पहले? हाँ जी। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया था आपके पापा को यहाँ पे, यहाँ दही कुछ का देते हुए? यहाँ पे पापा को लगभग 4 साल हो गए। अच्छा, तो उसके बाद आप अब यहाँ पे ये काम कर रहे हो? उसके बाद यहाँ पे मैं। तो आपको अब कितने साल हो गए यहाँ पे, कितना टाइम हो गया ये करते हुए? वही कोविड से कर रहा हूँ, लगभग 3 साल हो गए। 2.5-3 साल से कर रहे हो मतलब? अच्छा, तो किस कितने तरीके के पुचके देते हो आप? टोटल 10 तरीके के। मैंने तो आज तक एक ही तरीके का सुना है सिर्फ। यहाँ देखे ना, सब मैंने बोर्ड लगा, ये देखिए गाइस बहुत सारे तरीके के हैं। यहाँ है चुरमुरा, यहाँ है लेमन पापड़ी। ये लेमन पापड़ी में क्या नींबू डाल के देते हो? अच्छे से क्या बात है, उधर दिख रहा है ड्राई फ्रूट दही पुचका और साथ में ये है रसगुल्ला पुचका। रसगुल्ले पुचके में क्या होता है? रसगुल्ले पुचके में पूरा पकौड़ी होता है, जो कि टेस्टलेस होता है थोड़ा, बाकी उसमें मीठा पानी पूरा होता है। अच्छा, मतलब खाते हुए ऐसे लगेगा कि मीठा रसगुल्ला खा रहे हैं बिल्कुल। क्या बात है, तो हमें कौन सा खिलाने वाले आज? आप जो बताइए, हमारा सबसे बेस्ट है जो कि ड्राई फ्रूट वाले दही पुचका, वो वाला आपको खिलाऊंगा। अच्छा, वो सबसे बेस्ट है? हां, मेरे को जैसा लगता है। ठीक है, तो भाई भैया कह रहे हैं सबसे बेस्ट जो है वो है ड्राई फ्रूट वाला दही पुचका, लेकिन मेरे को ज्यादा बेस्ट लगता है। तो भाई हम आज ट्राई करते हैं इनका यहाँ पे ड्राई फ्रूट वाला दही पुचका और तीखे वाला भी टेस्ट कराना। भैया मेरे को तो तीखा खाना बहुत पसंद है। ओके, तीखा चटपटा तो लाजवाब है, आप पानी देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये है इनका पानी, एकदम तीखा लग रहा है जो कि दिखने में। ये पानी वगैरह खुद बनाते हो सारा कुछ? क्या बात है, तो चलते गाइस ट्राई करते हैं, आपको टेस्ट बताते हैं इनके कौन कौन से तरीके से कैसे टेस्ट के पुचके हैं। तो भैया आप हमारे लिए पहले कौन सा बना रहे हो आप? ड्राई फ्रूट दही पुचका। ड्राई फ्रूट दही पुचका, ये देखिए गाइस, ये जो है आलू का मिक्सचर बनाया हुआ है मसाले का, ये इसमें स्टफिंग कर जा रहे थे। इसमें कितने पीस आते हैं? 1 प्लेट 4 पीस। 4 पीस, ये देखिए गाइस 4 पीस दिए जाते हैं। आटे के गोलगप्पे होते हैं ये। ये देखिए, ये आ गई इसमें सबसे पहले ये मीठी चटनी, ये आ गई मीठी चटनी। ये पकौड़े होता है जो कि बेसन का होता है, बेसन के पकौड़े होते हैं। ये देखिए गाइस, ये आता है बेसन के पकौड़े। ये कौन सा मसाला आ गया? हमारा स्पेशल मसाला है, सीक्रेट वाला। सीक्रेट मसाला, मतलब आपका भी सीक्रेट मसाला आ गया? बिल्कुल। क्या बात है, नशा तो चढ़ा हुआ है सबसे। अच्छा, ये आ गया लाल मिर्च ऊपर और थोड़ा सा नमक। नमक है, चना है, प्याज है। चना आ गया, बॉइल चना, और ऊपर से जो थोड़ा सा प्याज डाल दिया। तो इसके ऊपर दही आने वाला जी? आप दही आने वाला, अब आने वाला गाइस इसके ऊपर दही। ये देखिए, ये आ गया दही। ये आ गई दोबारा से थोड़ी सी लाल मिर्च। अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स आने वाले हैं। क्या बात है, कितने की रहती है ये प्लेट? 30 रुपीज का है। 30 रुपए में, मतलब 30 रुपए में ड्राई फ्रूट्स डाल के देते हो आप? ये देखिए गाइस, थोड़ी सी जो ऊपर से सेव जो है गार्निश कर दी गई है। ये आ गई चेरी, मतलब इतनी सुंदर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं भैया इसकी। ये आ गया नींबू, रेडी हो गया। तो गाइस हमारे जो ड्राई फ्रूट वाले दही कुचका था वो रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में। तो चलते टेस्ट करते हैं। इतना बढ़िया टेस्ट आया ना, मतलब एकदम दही ऐसे भी नहीं है कि खट्टी हो, और जो मसाले डाले हैं ना उसका तो सच में भैया बहुत बढ़िया टेस्ट आ गया मसालों का। तो अब एक खिला दो हमें नॉर्मल वाला पुचका, देख सकते हैं मतलब भैया इतने फेमस हो चुके हैं कि इतनी भीड़ लगी है यहाँ पे। आपके यहाँ पे कोई ऑफर भी रहता है मंथली वाला सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन है, चैलेंज है जो कि 1 मिनट में 25 खाइए और 1100 रुपए लेके जाइए। 1 मिनट में 25 गोलगप्पे खाओ और 1100 रुपए लेके जाओ। हाँ जी, हाँ जी, पीछे बोर्ड लगा हुआ। क्या बात है, और सब्सक्रिप्शन क्या है आपका? सब्सक्रिप्शन है जो कि अनलिमिटेड है, आप 1200 रुपए जमा करो और 1 महीने तक जितना मर्जी खाते हो। अच्छा, मतलब जैसे मैं आपको आज 1200 रुपए लेके जाती हूँ तो 1 महीने तक जितना मर्जी खाते जाओ, कोई भी पुचका हो जाए? नहीं, नॉर्मल पुचका है इसमें से, नॉर्मल चाहे मैं दिन में 100 खा लूँ, जितना खा सकूँ। क्या बात है, तो एक नॉर्मल वाला भी खिला दो भैया, हम टेस्ट कर लेंगे नॉर्मल वाला भी। तो गाइस अब यहाँ पे हमारा बनने वाला है नॉर्मल वाला पुचका। ये देखिए, ये जो मसाले का मिक्सचर बनाया हुआ था वो डालेंगे इसमें। तो मीठा खिलाओ या खट्टा खिलाओ? खट्टा। ये हम लगे तो बताना। ये हमारा रेडी हो चुका है, तो चलते इसका टेस्ट करते हैं। एकदम बढ़िया टेस्ट आया, मतलब जो पानी जो है ना एकदम तीखा बनाया हुआ है भैया ने। तो भैया किसी को आना हो तो कहाँ पे आना होगा? नियर बाई शादीपुर मेट्रो है, इंदरपुरी नियर बाई शादीपुर मेट्रो। तो भाई आप लोग भी आ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया पुचका है इनके यहाँ पे। 10 टाइप के पुचका रहते हैं भैया। अगर आप लोग आए तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पे पुचके कैसे लगे। तब तक आप जाके हमारे लेजेंड फूडी पेज को फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।